बिहार की राजनीति में गर्मा गर्मी अभी भी बरकरार है। भाजपा MLC टुन्ना पांडे अब पूरी तरह से बगावत पर उतारा है। टुन्ना पांडे के विवादित बयान के बाद बार बार पलटवार का दौर चल गया है। अब जब उन्हें BJP ने पार्टी से निलंबित कर दिया तो सूबे में पॉलिटिक्स शुरू हो गए। एक तरह से कहा जा रहा है कि सूबे में पार्टी बदलो कार्यक्रम चल रहा है। एक दल के नेता दूसरे दल के नेता को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। एक तरफ जहां BJP से निकाले गए चुन्ना पांडे को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अजय सिंह ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और ओसामा शहाब को JDU में शामिल होने का न्यौता दिया। JDU में शामिल होने का निमंत्रण तो दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि हम लोगों से घृणा नहीं करते, लोगों के गंदे विचार से घृणा करते हैं। वैसे भी जो दुनिया में नहीं है उनसे क्या लेना। अगर शहाबुद्दीन के परिजनों को JDU का सिद्धांत और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पसंद है तो वो लोग आगे आ सकते हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने चुन्ना पांडे को पार्टी से निकलने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुन्ना पांडे कांग्रेस में आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही उन्हें PM मोदी और CM नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका हाल ही ऐसा है, जब कोई नेता आवाज़ उठाता है तो उसे दबाने के लिए उसे पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।